अच्छा दोस्तों, आपको ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोच के बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे कि कहीं लॉस हो गया तो क्या करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस में क्या होता है कि आप बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको उसका भुगतान करना पड़ता है, मतलब प्रॉफिट आपको कम होता है शुरुआत में, कहीं ना कहीं आपको पैसा लगाना पड़ता है तभी आपको पैसा बनना शुरू होता है, और वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मशक्क़त करना पड़ता है, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसी डर से घर में बैठ जाते हैं कि भाई नुकसान कौन झेलेगा, इतना तो है नहीं, मतलब खाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या। तो ऐसे में कई ऐसी अब सरकार की तरफ से ऐसे जॉब्स, मैं बोलूँगी ऐसे जॉब्स हैं, ऐसे बिजनेस हैं जिनके ज़रिए आप पहले दिन से ही कमाई करना शुरू कर सकते हैं। हैरानी हो रही है ना, जब मुझे भी ये पता चला था तो मैं भी हैरान रह गई, और मैंने उसी दिन फैसला किया कि भाई ये वीडियो तो मुझे बनाना ही बनाना है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मेरे दर्शकों को ये पता चलेगा कि वो किस तरह से बिना नुकसान उठाए अपना एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डाक विभाग से जुड़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई डाक विभाग से जुड़ने की क्या ज़रूरत है, आजकल तो चिट्ठियों का भी फैशन नहीं है, आजकल तो ईमेल्स के ज़रिए बात होती है, व्हाट्सएप के ज़रिए बात होती है, इस तरह से यूट्यूब के ज़रिए बात होती है, तो डाक विभाग से क्यों जुड़ेंगे? तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले आप मेरे साथ मुखातिब हो जाइए, मैं हूँ आपके साथ तमन्ना, आप देख रहे हैं हमारा ओके क्रेडिट चैनल। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरह से डाक विभाग से जुड़कर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और पहले ही दिन बिना नुकसान उठाए, बिना किसी चीज़ की भरपाई किए, पहले दिन आपका बिजनेस चमक उठेगा। भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में अपनी फ्रेंचाइजी देने से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी भारतीय इंडियन पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन कर सकता है, और पोस्ट ऑफिस यानी डाक विभाग की आउटलेट अपने राज्य या शहर में शुरू कर सकता है। तो जो भी अपनी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, अपने राज्य अपने क्षेत्र में ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपको ये फ्रेंचाइजी मिल सकती है, वो हम आपको बता देते हैं। हालांकि सिलेक्शन प्रोसेस के तहत सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को ही ऑफिस की फ्रेंचाइजी दी जाएगी, और ये सिलेक्शन फ्रेंचाइजी देने से जुड़े हुए नियमों और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। फ्रेंचाइजी टाइप्स। डाक विभाग द्वारा हर शहर में डाक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दो तरह की फ्रेंचाइजी दी जा रही है, जिनमें से एक फ्रेंचाइजी काउंटर सर्विस से जुड़ी है जिसे आउटलेट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं, और दूसरी पोस्टल एजेंट से जुड़ी है। इन दोनों प्रकार की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए डाक विभाग द्वारा अलग अलग नियम और क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। डाक विभाग फ्रेंचाइजी आउटलेट। काउंटर सर्विस से जुड़ी फ्रेंचाइजी उन्हीं को दी जाएगी जिन राज्यों में डाक विभाग द्वारा डाक सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। दरअसल भारत में ऐसे कई शहर और इलाके हैं जहां पर डाकघर नहीं है, और इन्हीं इलाकों में फ्रेंचाइजी के जरिए डाकघर की आउटलेट खोलने का प्लान भारतीय डाक विभाग द्वारा बनाया गया है, ताकि इन इलाकों में डाक विभाग की काउंटर सर्विस खोलने से यहाँ के लोगों को भी डाकघर की सुविधा मिल जाए। आउटलेट फ्रेंचाइजी की विशेषताएं। अब आउटलेट फ्रेंचाइजी की विशेषताओं पर भी नजर डाल लीजिए। डाक विभाग के तहत दी जाने वाली फ्रेंचाइजी में केवल काउंटर सेवाएं ही उपलब्ध करवाई जाएंगी, जबकि वितरण और संचरण की जिम्मेदारी पोस्ट विभाग के माध्यम से जारी रहेगी। इस फ्रेंचाइजी का मॉडल केवल शहर के तेजी से विकासशील क्षेत्रों में, जैसे कि महानगरों और उनके आसपास के कस्बों में लागू किया जाएगा। लेकिन आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि एक बार आपने फ्रेंचाइजी ले ली तो आपको अब कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है। अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो डाक विभाग द्वारा साल में दो बार इसका रिव्यू लिया जाएगा। इसमें से पहला रिव्यू फ्रेंचाइजी खुलने के 6 महीने के बाद होगा, और दूसरा अगले 6 महीने में पूरा किया जाएगा। फाइनल रिव्यू में अगर फ्रेंचाइजी का कार्य सही पाया जाएगा तो उस फ्रेंचाइजी की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। आउटलेट फ्रेंचाइजी के तहत आपकी कमाई कमीशन पर आधारित होगी, यानी जो सामान आप सेल करेंगे उस सामान को बेचने पर निर्धारित की गई कमीशन आपको दी जाएगी, और ये कमीशन ही आपकी इनकम होगी। फ्रेंचाइजी के तहत मिलने वाली कमीशन। पोस्ट विभाग द्वारा उनके सामानों के बिकने के बाद जो कमीशन दी जाएगी उसको जरा तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पंजीकृत आर्टिकल की बुकिंग पर 3 रुपए, स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बुकिंग पर 5 रुपए कमीशन मिलता है।
मनी ऑर्डर की बुकिंग पर नजर डालिए। अब 100 रुपए से लेकर 200 रुपए मूल्य के मनी ऑर्डर बुकिंग पर 3.50 रुपए और 200 रुपए से ज्यादा मूल्य के मनी ऑर्डर की बुकिंग पर 5 रुपए कमीशन मिलता है। वहीं हर महीने 1000 से ज्यादा रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट आर्टिकल पर 20% अतिरिक्त कमीशन मिलता है। डाक टिकटों, डाक स्टेशनरी और मनी ऑर्डर के फॉर्म की बिक्री पर बिक्री राशि का 5% और रिटेल सर्विस पर 40% कमीशन मिलता है। अब ये भी जानना बेहद जरूरी है कि इसके तहत आप कौन सा सामान बेच सकते हैं। स्टैंप और स्टेशनरी का सामान, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, पंजीकृत आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, बिल, टैक्स कलेक्शन का काम, पेमेंट सर्विसेज बिजनेस और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। फ्रेंचाइजी लेने में आने वाला खर्च, अब फ्रेंचाइजी लेने में 1 से 2 लाख का खर्च आ सकता है। इसके अलावा जिनका सिलेक्शन होगा उनको भी सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसा जमा कराना होगा। नियमों के मुताबिक पोस्ट विभाग के मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि 5000 रुपए निर्धारित है। भारतीय डाक विभाग के लिए कौन कर सकता है आवेदन? अब बात आती है कि इस फ्रेंचाइजी को ले कौन सकता है, यानी कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम उम्र की बात करें तो उम्र के लिहाज से आपकी मिनिमम आयु जो है, उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आप जितने भी साल के हों चलेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप 8वीं पास होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस तरह की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का व्यवसाय करता है तो भी वो फ्रेंचाइजी लेने के लिए योग्य है। हालांकि ये फ्रेंचाइजी शहरी, ग्रामीण और नए आगामी शहरी टाउनशिप में दी जाएगी। कोई भी संगठन जैसे कि कॉलेज, पॉलिटेक्निकल विश्वविद्यालय, प्रोफेशनल कॉलेज भी पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपके इलाके के डाक विभाग के डिवीजन में कार्य करता है तो आप उस एरिया की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई इंडिविजुअल इस फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन करता है तो उस व्यक्ति के साथ फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ा समझौता किया जाएगा। वहीं अगर किसी संगठन द्वारा फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन किया जाता है तो उस संगठन के प्रमुख के साथ इस समझौता किया जाएगा। डाक विभाग के लिए आवेदन कैसे करें? फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और ये फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, लेकिन अगर किसी वजह से आप फॉर्म डाउनलोड नहीं कर सकते तो पोस्टल डिवीजन ऑफिस जाकर फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ फॉर्म आप ले सकते हैं। इस फॉर्म में आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, राष्ट्रीयता, जिस स्थान पर वो फ्रेंचाइजी का कार्य करना चाहता है, उसके घर का पता, जानकारी आदि भरनी होगी। सभी जानकारियां भरने के बाद आपको ये फॉर्म उस एरिया के पोस्ट डिविजनल ऑफिस के डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट के पास जमा करवाना होगा, जिस एरिया में आप अपनी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं। फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे आपका जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, घर के पते से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स। इसलिए आप अपने फॉर्म से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवा लें। साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ लगाने होंगे। किस तरह से होगा चयन? जिस एरिया की आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उस एरिया के कुछ अधिकारी ही आपका सिलेक्शन करेंगे। कैसे? देखिए, एरिया के संबंधित डिविजनल हेड को ASP SDI द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर डिविजनल हेड उस व्यक्ति का सिलेक्शन करेगा जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेने के लिए काबिल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ASP SDI द्वारा पोस्ट ऑफिस के डिविजनल हेड को ये रिपोर्ट एप्लीकेशन में भरी गई जानकारी के आधार पर दी जाएगी। यानी जिन भी लोगों ने आवेदन के फॉर्म में अपनी जानकारी भरी होगी उसके आधार पर ASP SDI द्वारा रिपोर्ट बनाई जाएगी। फ्रेंचाइजी लेने के लिए दी गई एप्लीकेशन के 14 दिनों के अंदर उस एप्लीकेशन की रिपोर्ट ASP SDI के डिविजनल हेड को देनी होगी। जिस व्यक्ति का सिलेक्शन डिविजनल हेड द्वारा किया जाएगा उस व्यक्ति को मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में उस व्यक्ति के अलावा 2 गवाहों द्वारा भी साइन किए जाएंगे। इसलिए आप मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लें। एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। हालांकि फ्रेंचाइजी शुरू करने से पहले आपको पोस्ट ऑफिस में किस तरह से कार्य किया जाता है इससे जुड़ी जानकारी, ट्रेनिंग दी जाएगी। जो लोग फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करेंगे उनमें से उन लोगों को ही परफॉर्मेंस दिया जाएगा जो कि डाक पेंशन भोगी होंगे। आवेदन करने वाले व्यक्तियों में से जिनको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होगा, जो कंप्यूटर सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे, उनको भी फ्रेंचाइजी देने में प्रेफरेंस दी जाएगी। फ्रेंचाइजी से जुड़ी ट्रेनिंग।
फ्रेंचाइजी लेने वाले को इससे जुड़ी तमाम बातों को बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, यानी कि एक ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के बाद ही वो व्यक्ति ऑफिशियल तौर पर उस फ्रेंचाइजी को संभालेगा। अब ये ट्रेनिंग किस तरह की होगी, कब होगी, कहाँ होगी, ये आप देखिए। अगर ये ट्रेनिंग किसी और शहर में दी जाती है तो इस ट्रेनिंग के लिए उस शहर में जाने और रहने का खर्चा पोस्ट ऑफिस की ओर से नहीं दिया जाएगा। फ्रेंचाइजी से जुड़ी सारी ट्रेनिंग क्षेत्र के सब डिविजनल इंस्पेक्टर द्वारा दी जाएगी और ट्रेनिंग देते समय अगर किसी व्यक्ति का प्रदर्शन सही नहीं पाया जाएगा तो उसकी दी गई फ्रेंचाइजी का अनुबंध खत्म कर दिया जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति ये ट्रेनिंग लेने जाएंगे उन्हें ट्रेनिंग लेते समय अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी होगी। ट्रेनिंग के दौरान फ्रेंचाइजी शुरू करने वाले व्यक्तियों को बताया जाएगा कि किस तरह से पोस्ट ऑफिस में कार्य किया जाता है, उत्पादों, सेवाओं, बेसिक प्रोसीजर और परिसर की देखभाल किस तरह से की जाती है। ये ट्रेनिंग पास करने के बाद फ्रेंचाइजर अपनी फ्रेंचाइजी शुरू कर सकेंगे। इन सब के अलावा जिन भी लोगों द्वारा फ्रेंचाइजी शुरू की जाएगी उनके आउटलेट पर जाकर समय समय पर पोस्टल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि उनके आउटलेट पर सही तरह से काम हो रहा है या नहीं। इसलिए जिन भी लोगों को पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी दी जाएगी उन लोगों को सही से काम करना जरूरी है, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग के दौरान इंस्पेक्टर द्वारा पाया जाता है कि आपके आउटलेट में सही तरह से काम नहीं हो रहा है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इंस्पेक्टर द्वारा ये मॉनिटरिंग हर महीने की जाएगी और कुछ समय बाद पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक के जरिए भी निश्चित रूप से निगरानी की जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये दो तरह की फ्रेंचाइजी होती है। एक तरह की फ्रेंचाइजी की बात आज इस वीडियो के जरिए हमने कर ली, अब रहती है दूसरी फ्रेंचाइजी की बात। तो इतना एक्साइटेड मत होइए, थोड़ा सा संयम रखिए क्योंकि इसकी बात हम करेंगे दूसरे वीडियो में। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, अब अपने डर को ख़त्म कर दीजिए कि कितना पैसा लगेगा, नुकसान होगा कि मुनाफा, क्योंकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि रिस्क लेने से हर कोई घबराता है, लेकिन डेयरिंग, जिसको कहते हैं ना कि आपको हिम्मत करनी पड़ती है तभी आप कहीं अपना हाथ आजमा सकते हैं। तो आप ये तो नहीं कहूँगी कि आज ही कोई फैसला लीजिए, लेकिन हाँ, हमारे वीडियोस आपको समय समय पर ये जानकारी देते रहेंगे कि किस तरह का बिजनेस, किस तरह का लोन और किस तरह का व्यवसाय किस दौर में शुरू आप कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।